हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जो है पिछला दोनों मैच जो खेला है, इंडिया के खिलाफ में एक मैच हारी है और दूसरा जो मैच खेला है और उसको भी हारते हुए यहाँ पर आई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। दोनों ही मैच को पिछला दोनों ही मुकाबला पाकिस्तान यहाँ पर हार कर पहुँची है। अफगानिस्तान के साथ ये आज का मुकाबला है। अगर दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के कुछ बॉलर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं और बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो शायद इस मैच को भी पाकिस्तान शायद ही विन करे। मेरे को जहाँ तक लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान विन कर सकती है। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि नहीं विन करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान विन कर सकती है अफगानिस्तान के टीम से, क्योंकि अफगानिस्तान के कुछ खास प्लेयर हैं नहीं जो कि पाकिस्तान को हरा सकेंगे। तो आपको दोस्तों, अगर आप लोग ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हैं तो आप सभी बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आप सभी को हम ड्रीम इलेवन की प्रिडिक्शन देने वाले हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रहने वाली है। देखिए दोस्तों, टीम को सेलेक्ट करने से पहले कुछ हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ भी करना हो उसके पिछला कुछ रिकॉर्ड्स को नहीं जानेंगे तो हमें कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप लोग, कुछ काम करना है हमें, अब उसके पिछले काम को मतलब पिछला कुछ जो रिकॉर्ड्स रहा होगा उस काम का, तो हमें उसको मालूम करना होगा ना भाई, क्योंकि अगर वो मालूम नहीं है तो हमें उस काम को करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, दिक्कत होगा, शायद काम गड़बड़ भी हो सकता है। तो हमें इसी तरह से यहाँ पर मालूम चलना है, मालूम करना है कि कौन सा टीम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है इस मतलब मुकाबले में, ठीक है। और दोस्तों कौन सा मतलब क्या रहने वाला है आज, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है आज की। देखिए मैच जो है पाकिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान के बीच में, आज इन दोनों का मैच है। अगर आप लोग ड्रीम इलेवन टीम बनाते हैं तो आप सभी इस वीडियो में ज़रूर रहिएगा लास्ट तक। देखिए पिछला मैच यहाँ पर पाकिस्तान लॉस की है, लॉस की है, लॉस की है, लॉस, विन और विन, यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा है पिछले 5 साल के, ठीक है। पिछले 5 साल के यहाँ पर रिकॉर्ड्स लिखे हैं, ये इसी साल के नहीं दोस्तों, पिछले 5 साल के हैं। और यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हैं, तो 5 में से जो कि पिछला 5 मैच जो पाकिस्तान खेल के यहाँ पर आई है, तो उसमें से 3 मैच को लॉस किया है। तो इनका कॉन्फिडेंस भी कुछ खास नहीं है। और अफगानिस्तान की बात कर लें, पिछला 5 मैच इन्होंने भी खेला था और इन्होंने 4 मैच को लॉस किए, तो दोनों ही का कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर 2 मैच विन किया पाकिस्तान और यहाँ पर 1 मैच, तो दोनों का कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यहाँ पर कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं। बस फ़र्क क्या पड़ेगा कि इस मैच को कौन जीतता है ये हमें देखना है। और अगर अफगानिस्तान जीतती है तो पॉइंट टेबल जो होता है उसके में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी अफगानिस्तान, और पाकिस्तान जीतती है तो 2 अंकों के साथ कुछ आगे बढ़ सकती है। तो यही बस पॉइंट चेंज होगा। हम मालूम क्या करना है, जो ज़रूरी चीज़ है। देखिए दोस्तों, आप सभी को एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लोग चेन्नई में रहते हैं तो आप सभी मैच को देखने जा सकते हैं, क्योंकि पैसा वसूल मैच होने वाला है भाई। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान की टीम है और एक तरफ से अफगानिस्तान की टीम है, दोनों ही अच्छी टीम है। हालांकि दोनों ही अच्छी टीम है अपने अपने जगह पर आपको प्लेयर्स को देखने को मौका मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा टीवी के अलावा। तो अगर आप लोग का चाह है कि मैं बाबर आजम को देखूँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखूँ, या फिर अफगानिस्तान के प्लेयर को, तो आपने देखा ही होगा आईपीएल में, तो वही चीज़ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वेन्यू जो हमारी रहने वाली है, वेन्यू का स्टेटस मतलब यही होता है कि हमारी स्टेडियम क्या रहने वाली है। तो स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम है माँ चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में ये स्टेडियम है और भारत में ये मैच खेला जा रहा है, ठीक है। अगर आप आसपास हैं, चेन्नई के रहते हैं, तो जाइए मैच को देखिए, पैसा वसूल मैच होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज की हमारी पिच रिपोर्ट क्या रहेगी। पिच रिपोर्ट आज की जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बैटिंग रहने वाली है, क्योंकि हमें आईपीएल में भी मालूम चलता है कि चेन्नई की जो पिच है वहाँ पर बैटिंग पिच ही रहती है। इस पिच पर पेसर गेंदबाज, यहाँ पर रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि पेसर गेंदबाज अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर मेरे हिसाब से दोस्तों, मैंने आईपीएल में अक्सर जब देखा है, और मैंने आईपीएल से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था इस यूट्यूब चैनल पर, चाहे तो आप सभी प्रूफ के लिए जाके देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो को, लेकिन बाद में देख लेना, अभी आपको यहीं पर देखना है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए पेसर गेंदबाज और स्पिनर गेंदबाज जो होते हैं, यहाँ पर इस पिच पर मेरे को हिसाब से दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि स्पिनर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, सिर्फ पेसर ही करता है, यहाँ पे कोई वैसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक रिकॉर्ड्स को देखा है और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए प्लेयर्स को भी देखा है इस पिच पर, क्योंकि जब चेन्नई का मैच हुआ था, चेन्नई और गुजरात का, तो चेन्नई ने यहाँ पर अच्छा विनिंग्स किया था और उसके स्पिनर जो जडेजा थे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो स्पिनर गेंदबाज थे जडेजा, अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो इस पिच पर स्पिनर और पेसर दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, दोनों को लेने का लिए आप लोग ले सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं, पेसर तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ज़्यादा उसी को रखेंगे, स्पिनर को हटा देंगे, ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। मैच 2 बजे होने वाली है, तो यहाँ पर रेनी के दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पर आप लोग देखिए,
इन 5 रिसेंट रिकॉर्ड यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, जो कि यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों एवरेज रन यहाँ पर कितना बनता है, 226 बन जाता है। विकेट के ऊपर है, विकेट कम गिरेगी तो बढ़ेगा स्कोर, ज़्यादा गिरेगी तो कम होगा स्कोर। विस्कोर से हमें कुछ मतलब नहीं रखना है, बस वो रिकॉर्ड्स के लिए बस तौर पर देखा जाता है। टोटल विकेट इस पिच पर लिए गए हैं 77, जिसमें से 40 विकेट लिए हैं पेसर गेंदबाजों ने और 37 यहाँ पर स्पिनर ने। तो हमने स्टार्ट में ही कहा था कि ये चेन्नई की पिच है भैया, तो इस पिच पर दोनों ही बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बस 3 विकेट का डिफरेंस है, कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसको कुछ खास नहीं माना जा सकता कि खाली पेसर गेंदबाजी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो आपको डरना नहीं है कि मैं अपने टीम के लिए स्पिनर को नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही नहीं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको देने वाले हैं। हेड टू हेड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए हेड टू हेड का मतलब यही होता है कि आमने सामने ये टीम जो है कितनी बार भिड़ी है पिछले 5 सालों में। पिछले साल का जो मतलब हमारा पिछले 5 साल पिछला जो रिकॉर्ड था वहाँ पर जो ODI मैच खेला गया था वर्ल्ड कप का, यहाँ पर देखिए 5 मैच टोटल खेले गए थे आमने सामने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जिसमें से पाकिस्तान 5 के 5 मैच विन किए और अफगानिस्तान एक भी मैच को विन नहीं करते हुए लास्ट में आई है। तो इससे हमें क्या मालूम चला रिकॉर्ड्स को, देखिए आप लोग नए होंगे तो आप लोग स्टार्ट में समझ में नहीं आएगा बट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमें इससे मालूम क्या चला कि पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छे हैं बाकायदे अफगानिस्तान के प्लेयर के मुकाबले में, तो पाकिस्तान की टीम इस पिच पर ज़्यादा विनिंग्स करने के ज़्यादा चांस है। तो हमें किस प्लेयर्स को अपने टीम में रखना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो टीम जीतती है उन्हीं टीम के प्लेयर्स को अपने टीम में ज़्यादा रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो टीम जीत रही है, क्यों जीत रही है वो टीम, क्योंकि उसके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा इसीलिए वो टीम जीत रही है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो टीम जीत रही है उसके प्लेयर्स को अपने टीम में रखिए क्योंकि उस टीम के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला ही हमें प्लेयर चाहिए, तो उस टीम को अपना अपनी टीम में ज़्यादा रखना है, ठीक है, उस टीम के प्लेयर्स को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमें प्लेयर्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स को जान लिए ना, तो हमें अब प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में बहुत आसानी होगा। अब हम लोग को दूसरा चीज़ क्या मालूम चला कि आज इस पिच पर बैट्समैन जो है अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और इस पिच का क्या पिच रिपोर्ट है, बैटिंग पिच है, बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये मालूम चला। फिर इस पिच पर मालूम चला कि पेसर स्पिनर गेंदबाज दोनों अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हमें डर तो नहीं ना भाई कि स्पिनर को नहीं लेना है या फिर पेसर को नहीं लेना है, यहाँ पर जिसको उठाएंगे आप चाहे ऑलराउंडर वाले सेक्शन से लें या फिर बॉलिंग वाले सेक्शन से, किसी को भी उठाएंगे ना तो इस पिच पर अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको वो दे देगा क्योंकि हमें डर नहीं है क्योंकि मालूम चल चुका है पिछला रिकॉर्ड्स, ठीक है, यही चीज़ होती है। और वेन्यू की यहाँ पर हम लोग बता ही दिए थे चेन्नई ये मैच है। अब दोस्तों हम लोग प्लेयर को सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मालूम चल चुका है कि बैट्समैन इस पिच पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं क्योंकि बैटिंग पिच है, तो हमें 4 से 5 बैट्समैन को अपने टीम में रखना होगा जो कि बिल्कुल सेफ बैट्समैन हो, अच्छा परफॉर्मेंस करने का काबिलियत हो उसके अंदर। मेरे हिसाब से आपको मोहम्मद रिजवान की तरफ जाना बेहतर हो सकता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान दोस्तों आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इनके अलावा मतलब इनके अलावा आपको कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दे सकता इस पिच के ऊपर क्योंकि ये बैटिंग पिच है और बैटिंग पिच के ऊपर बैट्समैन जो है मोहम्मद रिजवान अच्छे परफॉर्मेंस करने का रुतबा रखते हैं, इनके अंदर काबिलियत है, उस काबिल हैं ये खिलाड़ी जिस काबिल आप लोग समझ रहे हैं, तो इनको ज़रूर रख लें अपनी टीम में। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ना रहमानुल्लाह गुरबाज, इनको भी आप लोग अपने टीम के लिए रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही टीम में भाई रन तो बनने वाली है, तो दोनों जो टीम बनेगी रन कौन बनाएगा, यही प्लेयर्स बनाने वाले हैं, तो इनको अपने टीम में ज़रूर रख लेंगे। ये दो प्लेयर को अपने टीम में आप लोग विकेट कीपिंग से रखेंगे, विकेट कीपिंग से मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे ना कि बैटिंग सेक्शन से हमें कितने लोगों को लेना है, मेरे हिसाब से आपको बैटिंग से ज़्यादा को नहीं लेना है अपने टीम के लिए, बैटिंग वाले सेक्शन से 3 या 4 प्लेयर्स को हम लोग अपने टीम में रखने वाले हैं बैट्समैन वाले सेक्शन से, ठीक है। सबसे पहले आपको बाबर को रखना है क्योंकि ये बैटिंग पिच है और बाबर इस पिच पर अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है भाई क्योंकि बैटिंग पिच है और बाबर जो है बैट्समैन जो है एक्स्ट्रा लेवल का है थोड़ा, तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के थोड़े से चांस है। देखिए दोस्तों कोई भी टीम बनाता है तो वो अंदाज से बनाता है, कोई श्योर नहीं रहता है कि ये आज चलेगा ही चलेगा क्योंकि बैट्समैन को खुद नहीं मालूम है कि मैं आज कितना रन स्कोर करूंगा, बॉलर को खुद नहीं मालूम है कि मैं आज विकेट ले पाऊंगा भी कि नहीं ले पाऊंगा, तो किसी प्लेयर को खुद कुछ नहीं मालूम होता है कि मैं आज अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा इस मैच में या नहीं, बस कॉन्फिडेंस होते हैं उनके अंदर, अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दी किस्मत साथ रहा उनके तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा ही इंशाल्लाह, उसके बाद अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें होते हैं, हमें भी कुछ रिकॉर्ड सुधारना है, अब हम उसके हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं कि ये बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है इस टीम के लिए और इस मतलब इस टीम के खिलाफ में, तो हमें हमारा अगर अंदाज हमारा किस्मत अगर सही रहा तो हमारा अंदाज भी सही निकलेगा, तो आपको किस्मत अपने साथ में रखना, किस्मत साथ तभी आएगी जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों देखना है कि आई चदरान दोस्तों जो प्लेयर हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं,
और इनको भी आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, और देखिए रन कौन बनाने वाला है, यही सब बैट्समैन बनाने वाले हैं, आपको कोई और बना के नहीं देने वाला है, तो इन बैट्समैन को अपने टीम में ज़रूर रखेंगे। और आसिफ शफीक को अपने टीम में ज़रूर रख लीजिएगा अपने टीम के लिए, और फिर आसिफ शफीक भी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इमामुल हक दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, पिछला मैच अच्छा खासा गुजरा था, स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन आखिर में इन्होंने विकेट जहां गंवाया फिर पाकिस्तान की धड़ाधड़ विकेट गिरती गई और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में वहां पर हार गए। तो ये चार बैट्समैन है मेरे अंदाज, जो मेरा अंदाज कह रहा है कि ये चार बैट्समैन आज के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता है आप लोगों को और मेरे को भी, क्योंकि मैं भी यही टीम बनाऊंगा जो आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो ये चार ऊपर के बैट्समैन आपको रख लेना है, कुछ थोड़ा सा मतलब रिस्की होंगे और कुछ सेफ प्लेयर होंगे। तो टोटल हमने बैट्समैन कितने रखे हैं, छह बैट्समैन को रख लिया, यहाँ पर विकेट कीपर से दो लिया है और बैटिंग से चार, तो हमारे अब पांच खिलाड़ी जो बचे हैं अब हम उनको उनकी तरफ चल देते हैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन से। मेरे हिसाब से शादाब पिछला मैच नहीं खेले थे तो इस मैच में उनको मौका भले ही मिलेगा, तो मेरे हिसाब से शादाब को अपने टीम में रखना नहीं है, क्योंकि पिछला और उसके पिछला मैच में इनको जब खिलाया गया था कुछ भी खास विकेट नहीं ले पा रहे हैं, और प्लस फुल टॉस पे फुल टॉस दे रहे हैं, रन लुटा रहे हैं, तो अपने टीम से इनको हटा देना है, ठीक है, चाहे खेले या ना खेले। एम नबी की तरफ आप सभी जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि स्पिनर गेंदबाज है और बैट्समैन भी ठीक ही ठाक है। उसके अलावा आप सभी इमाम अहमद की तरफ जा सकते हैं, हालांकि इनको बॉलिंग बहुत कम मिलती है, बहुत कम चांस में आते हैं, विकेट इनको ना के बराबर मिलती है, बट बैटिंग अगर मिलता है तो कुछ हीट करके अच्छा आपको दे सकते हैं। नवाज़ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे नहीं है, जी नैब शायद, तो यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को हमने बताया जो कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे नहीं है, नवाज़ अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं कुछ दिनों से, जी नैब जो है अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं, इनको शायद ही मौका मिले, नीचे के प्लेयर उनको मौका नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए, इस टीम के लिए मेरे हिसाब से एम नबी बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप सभी ए उमर जई की तरफ जा सकते हो, उमर जई जो कि सेफ प्लेयर के तौर पर खेलेंगे आपकी टीम से, तो मेरे हिसाब से उमर सही आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। एम नबी की भी मतलब उनको आप हटा सकते हैं, मेरे हिसाब से बैट मतलब ऑलराउंडर वाले सेक्शन से आप एक प्लेयर को लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लेयर आपको दिख ही नहीं रहा भाई बढ़िया कि जो कि आपको अच्छा पॉइंट दे सके, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करना है, ठीक है, तो हटाइए इनको, बस एक लोग को ले लेते हैं, चार बॉलर को अपने टीम में रखेंगे। सबसे पहले आपको राशिद खान को रखना है, क्योंकि देखिए राशिद खान के पास वो मतलब मैं आप चीज़ को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए राशिद खान के पास यहाँ खेलने का थोड़ा सा वो होता है ना दोस्तों, इनके पास है कॉन्फिडेंस भी है और इनके पास अच्छा परफॉर्मेंस करने का इस पिच पर रुतबा भी है, क्योंकि ये पहले खेल चुके हैं इस पिच पर, अच्छा विकेट भी किए हैं, और तो राशिद खान आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनको पहले इस पिच पर ये मौके मतलब काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं और इस पिच पर अच्छा विकेट भी लिए हैं, चेन्नई के खिलाफ में ही काफ़ी अच्छा विकेट लिए हैं, तो इनको अपनी टीम में आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को हमने अभी बता दिया। शाहिद अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, हर मैच में विकेट लेते ही हैं, इनको आप अपने टीम में ज़रूर रखें, क्योंकि इनको ड्रॉप कर दिए तो आप लोग अपना जो ड्रीम इलेवन का सपना जो देख रहे हैं ना, जितना भी आप लोग देखते हो 10 लाख 20 लाख करोड़ों का विनिंग्स करने का, तो वो तोड़ रहे हैं इनको अगर आप लोग हटा देते हैं तो। उसके बाद हारिस रऊफ जो कि सेकेंड पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, हालांकि रन लुटा दे रहे हैं बट विकेट से मतलब होना चाहिए भाई, रन से हमें क्या मतलब है, कौन सी टीम जीत रही कौन सी हार रही है मतलब नहीं है, हमें बस अपने भारत देश को संभालना है, उनको सपोर्ट करना है, बाकी टीम जीते हारे हमको कोई मतलब नहीं। हरीश रावत हालांकि रन दे दे रहे हैं बट विकेट ले लेते हैं, विकेट से मतलब होना चाहिए, एक विकेट दो विकेट ले ही ले रहे हैं तो विकेट से मतलब होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट चाहिए हमें, किसी को हमको वो ज़बरदस्ती नहीं करना है। नवीन उल हक की तरफ आप सभी जा सकते हैं, पेसर गेंदबाज हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं ये भी, क्योंकि देखिए इस पिच पर भी ये काफ़ी अच्छा खेल चुके हैं, इनका अंदाज़ भी है इस पिच पर खेलने का, क्योंकि आईपीएल में ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दे देते हैं अपनी टीम को, तो आईपीएल में जितने प्लेयर खेले हैं उनको अपने टीम में आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि उनके पास एक अंदाज़ होगा इस पिच पर खेलने का परफॉर्मेंस करने का, और इनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि मैं इस पिच पर खेल चुका हूँ भाई, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, भाई जो कैप्टन है उससे बात करेगा, भाई मुझे दो बॉल मैं आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस पिच पर खेलने का अंदाज़ है, किस तरह से मुझे खेलना है, किस तरह से बॉलिंग करना है, किस तरह से बैटिंग करना है, ये सब इसको मालूम होगा, समझ गए ना, तो इस प्लेयर्स को अपने टीम में ज़रूर रख लेंगे, ये चारों प्लेयर आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो हमने टीम को करीब करीब बना लिया है, अब दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप में से जो विन करना चाहते हैं, आप सभी विन करना चाहते हैं, तो आप सभी को कह देता हूँ कि अगर इसमें से कोई भी प्लेयर बाय चांस नहीं खेलता है हमारी जो टीम लिए हम लोग, तो आपको दूसरी टीम टेलीग्राम पर बनाकर दी जाएगी, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का तरीका यही है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा,
उसको ज्वाइन कर लीजिए और अच्छा विनिंग्स करिए। काफ़ी सारे भाई लोग जो हैं कि ज्वाइन करते हैं और अच्छा विनिंग्स के भी कर रहे हैं, और आपको जो प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग हमें टेलीग्राम के जरिए संपर्क करें, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है, आप लोगों को भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूँ तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। कैप्टन हमारे जो बेस्ट होंगे उसकी तरफ चलेंगे, फिर वाइस कैप्टन की तरफ चलेंगे। तो कैप्टन आप सभी के लिए मेरे हिसाब से राशिद खान बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईपीएल में भी हमने इनको काफ़ी बार वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट किया, कैप्टन के लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और इनको बैटिंग करना तो भाई काफ़ी पसंद भी है और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बैटिंग में। आपने आईपीएल में देखा होगा गुजरात के साइड से काफ़ी अच्छा विनिंग्स कराया था एक मैच में, काफ़ी बढ़िया मुंबई की साइड से इतना मुंबई को इतना धोया था, मुंबई के प्लेयर्सों को काफ़ी बढ़िया बॉलर को, बड़े से बड़े बॉलर को इन्होंने बहुत अच्छा मतलब रन धोया था। तो वाइस कैप्टन के लिए इनसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इनको बैटिंग का मौका, भाई 50 ओवर का गेम है, विकेट गिरना ही है तो इनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो बॉलिंग से इनको मौका मिलने वाला कंफर्म है और बैटिंग से भी मिलने वाला कंफर्म है, तो दो इनको सेक्शन मिलने वाले हैं, तो इनको ज़रूर वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। कैप्टन की तरफ आप थोड़ा सा सेफ जा सकते हैं, मेरे हिसाब से कैप्टन आपके लिए बाकियों की तरह रिजवान के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर रिजवान अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, और मेरा अंदाज़ जो है, मेरा जो कह रहा है ना भाई कि अंदर से फील आ रहा है कि रिजवान इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि दो मैच पिछला इन्होंने हार कर आ चुका है। रिजवान हर मैच को हारना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक तौर पर कैप्टन की ही तरह सोचते हैं बाबर, और ये बहुत ही करीबी दोस्त हैं और ये हमेशा अपना डिस्कस करते रहते हैं, मैंने देखा है अक्सर इनको मैच में खेलते हुए। तो मेरे हिसाब से कैप्टन आपके लिए रिजवान ठीक लगेंगे और वाइस कैप्टन जो है राशिद खान। हमारी यही फाइनल भी टीम हो सकती है अगर इसमें से कोई भी प्लेयर चेंज नहीं होता है तो, और अगर चेंज होता है तो दूसरी टीम आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। और दोस्तों मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा और बाय बाय रहेगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जाइएगा।